साहब ये अभी तक जो हमने आज पूरा दिन देखा है जैसे हम अभी पहले आगाज में बात कर रहे थे कि पुर जो है वो ये दिन गुजरा है जो खदशात थे जो बयान थे कहीं से कहा गया कि जी के पी के के लोग आ गए हैं राना सनाउलानी के जी पाँच सौ लोग फसाद करेंगे दाखले पर पाबंदी लगा दी गई अली अमीन गंडापुर के तो ये चीजें तो थी लेकिन ओवरऑल जो आज की सिचुएशन रही है उसमें अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि धांधली हुई है वरना आपको पता है कि मीडिया आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं इक्का दुक्का वाकयात जरूर सामने आए बट आपको वाकई अभी तक लगता है कि ऐसा सच कोई कोशिश नहीं की गई धानली की रिगिंग की आज के दिन तक प्री पोल रिगिंग को आप रगेंगे नहीं समझते प्री पोल रिगिंग को आप आज नहीं के, के नहीं दिन की मैं बात कर रही हूँ आज के दिन प्री पोल जो कुछ हो सकता था हुई तो हुआ है और इसके बाद मतलब ये अब तो فساد کو دعوت دینے والی بات تھی نا वो पच्चीस भाई की तरह अगर तीस चालीस पचास लाख आदमी घरों से बाहर निकल आते तो फिर क्या होता तो वो अदम इसकाम का खतरा तो नहीं मोल ले सकते थे आज के दिन कोई बड़े पैमाने पर पे गड़बड़ नहीं हुई है शेखुपुरा में वैसे छह सौ वोट डाले हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर ने जो कुछ उनके बस में था उन्होंने किया है नहीं सर फैसलाबाद में में भी वैसे प्रेंग आज हल्के सड़क बन रही थी आज के दिन फयाजी का मुजाहरा न करें क्या हुआ नहीं, आज, आज के दिन का क्या नहीं मैंने रहे सिर्फ रहे। नहीं, आज के दिन की बात होता है, है नहीं कर रही हूं। मैं नहीं, वो मेरा ख्याल तो है हमजा अपनी पुलिस और अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पे ही रिलाई करते रह गए और इसी वजह से जो डेस्पिरेशन थी शहबाज गिल को गिरफ्तार करना और भी बहुत से सख्त वाकत वगैरह किए उनको सपोर्ट मिली नहीं है लग ही रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं मिली है। अभी वैसे इस वक्त तो साढ़े सात हो गए हैं यह अभी पता चलेगा लेकिन मुझे लग रहा है सपोर्ट नहीं मिल रही है आपको पक्का यकीन है यानी होना है आप मुझे बात कर रहे थे विदाल ड्यू रिस्पेक्ट आप इन्हें जानते नहीं हैं मैं उन्हें उन्नीस सौ सत्तर से जानता हूँ शरीफ ख़ानदान को जब मैं लाहौर गया था तो मैंने वहाँ लोगों से सुना हमें तो कोई तजुर्बा नहीं था सिक्सटी नाइन में मैं लाहौर गया था कि ढक्कन चोरी हो जाते हैं मैन होल्स के और वो ढक्कन कहाँ जाते हैं आप इन्हें जानते नहीं हैं अभी वो आखिरी कोशिश करेंगे ये हो नहीं सकता आखिरी उम्र में कोई आते नहीं बदल जाती ये पचास साठ सत्तर साल की तरबियत है इस कारोबार की और मैं मतलब बड़े एहतराम के साथ आपसे अर्ज करता हूँ कि अभी ज़रा तो फरमाएँ अभी ज़रा इंतज़ार करें तीन चार पाँच घंटे और जब तक बाकायदा रिज़ल्ट जो है वो ऐलान नहीं हो जाता अगर वोटरों को धमकियाँ दी जाती हैं गुमनाम सिर्फ ये बताने पर कि मेरा वोट की जगह तब्दील कर दी गई है और मेरा पोलिंग स्टेशन बदल दिया गया है इस पर धमकी दी जाती है और कहा जाता है डिसऑन करें और शिकायत करें पीरजादा मोहित पीरजादा तो है है तो तो क्या ये आपका क्या ख्याल है कि अभी जो हाँ। चार छह घंटे बाकी हैं इसमें कोई क्रिश्मत दिखाने की वो कोशिश नहीं करेंगे आ, मेरा, मेरा ख्याल है दिखा नहीं सकते मेरा नजर आती है पॉलिसी ये नजर आती है जो फैसला कुन कु हैं उनकी पॉलिसी ये नजर आती है कि ज्यादा करिश्मा साजी की इजाजत न दी जाए लेकिन ये कि वो कोशिश नहीं करेंगे ये तो हो नहीं सकता वो लंदन में बैठे हुए हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कोई भी सारा कारोबार वो जानते हैं देखिए 1970 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे असद गिलानी साहब इनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मोहरे पकड़ ली जाली वोट पकड़ लिए जाली शनाख्ती कार्ड पकड़ लिए आप तो जाली शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकते आसानी से और बनाए तो पकड़े जाते हैं तो फिर उनसे सौदा किया गया सौदा यह हुआ जमात इस्लामी के साथ कि कौमी असम्बली की सीट उन्हें दे दी जाएगी सुबह इसम्बली की नवाज शरीफ साहब रख लेंगे अभी जरा जरा इंतजार तो फरमाए अभी देखे इतनी जल्दी ना करें ये हारून साहब मुझे ही बताइएगा कि जिस तरीके से आ, हम पहले भी बात करते थे कि खुद पाकिस्तान नवाज़ की कैंपेन्स के अंदर उस वक्त उन तमाम अफराद के लिए जो कि नून लीग छोड़ के गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो उनको कहा जाता था कि जी ये लोटे हैं इनके घरों का घेराव कर लो इनको घरों से बाहर ना निकलने दो और अभी फिर उन्हीं लोगों को अगर वापस तब्दील किया गया तो वो लोटे आ, किस तरीके से रिजेक्ट होने चाहिए ये नेरेटिव इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा लेकिन यहाँ पर नून लीग के लोगों ने जिनको टिकट्स दिए जो लोटे हैं जो निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अराकिन हैं उनको टिकट्स दिए गए उनको नवाजा गया और अपने वर्कर्स को अपने लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने जो है वो एक तरीके से नजरअंदाज किया तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर जो डिफरेंसेज हैं रिजेंटमेंट है वो बढ़ी इस फैसले के बाद ये सही है ये बिल्कुल ठीक बात है शाद आरफ साहब ने इसको बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है देखिए कोई भी उम्मीदवार जो रनर अप रहा हो या कभी जीता हो या जीतने की उम्मीद रखता हो वो सरेंडर तो नहीं कर सकता सियासत कोई नजरियाती सियासत तो नहीं दुनिया में कहीं भी नहीं होती नजरियाती सियासत ऐसे एक नारा है ये एक्सेप्शनली होती है जैसे 46 में थी उसमें भी सब उम्मीदवार नजरियाती नहीं थे सियासत नजरियाती थी तो ये तो जाहिर है बिल्कुल वाज है कि नून लीग के लोग इंथुजियाटिक नहीं थे फिर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उसका मौक़ कबूल कर लिया है कौम ने देखिए कौमी खुददारी की तहरीक आज़ादी की तहरीक की तरह ही होती है यानी जो बेबसी का एहसास है और तोहन का एहसास है और ये एहसास है कि भाई हम बहुत मजबूर कर दिए गए हैं और हमारा मुस्तबिल ख़तरे में है आने वाली नस्लों का मुस्कबिल ख़तरे में है मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है अफरात ज़र बहुत ज़्यादा हो सकती है एक खौफ है और इससे निकलने के लिए ज़ाहिर है लोग हाथ पाँव मारेंगे अब ये जो ताकत क्या चूंकि अपना एक मिजाज होता है पावर इंटॉक्सिकेशन ऐसी होलनाक चीज़ है इमाम शाफी ने कहा था जिन्हें बहुत साहिब बसीरत समझा जाता है कहा जाता है कि उन जैसी फरासत के लोग तारीख में कम पैदा हुए हैं मुस्लिम हिस्ट्री में पूरी में उन्होंने <coughs> कहा था मैं ये मान सकता हूँ कि किसी आदमी ने शराब पी और वो नशे में ना हो मगर ये नहीं मान सकता कि कोई आदमी इकतदार में हो और वो नशे में ना हो पार इंटॉक्सिकेशन की अपनी एक एक नफस्यात पैदा होती है और ये देखिए सियासत तो में अहम चीज़ सिचुएशन होती है अफराध नहीं होते बात सूरतों में अफराध बहुत अहम हो जाते हैं जैसे इमरान खान है अपने क्रिसमेटिक आदमी है और बड़े उसका तसर यह है कि बहुत जुरत का मुजाहरा उसने किया है जैसे कायद अजम बहुत अहम हो गए थे लेकिन फिर भी कायद अजम थर्टी सेवन का इलेक्शन तो नहीं जीते थे चौबीस फीसद वोट मिले थे वही कायद आजम थे और वही उनकी शहरत थी सिचुएशन मैटर करती है सूरत हाल बदल गई है अब ये आपको मुबालगा लगेगा लेकिन मैं तो फात्या पढ़ चुका हूं कई दिन पहले नून लीग पे भी और पीपल्स पार्टी पे भी इमरान खान, खान है। के लिए अभी मोहल्लत जो, जो हो हो होगा वो उनकी परिवार ने प्रभाव एक्सेप्ट किया सही है मेजोरिटी ने अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर पंजाब जो है वो नून के हाथ से जाता है तो विफाक पर क्या फर्क पड़ेगा विफाक की हुकूमत पर देखिए ये बड़ा ट्रिकी और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, मैंने चूंकि शुरू में आते ही कहा था कि ऐसा लग रहा है कि निज़ाम ने सिस्टम ने इस चीज़ को कबूल कर लिया कि चूंकि पब्लिक ओपिनियन उनको समझ आ गई उन्होंने कहा कि इंटरफेयर ना करें और हमजा ने ये सारी स्ट्रगल अपनी पुलिस और अतातार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू <coughs> मोस्टली की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके बिहाफ पर किए इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट ऐसे ही रहते हैं जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं और परवेज़ लाही जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं पंजाब के तो वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान में और सिस्टम के दरमियान एक सुलह करवाएं, एक सेटलमेंट करवाएं, ताकि उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब की वो फौरी तौर पे मुझे गिरते नज़र नहीं आती मुझे लगता है कि पंजाब आ जाएगा शाहबा इनके पास परवेज़ अलाही के पास और फिर एक इलेक्शन की डेट होगी जो गलबत नवम्बर के बाद होगी कहीं